हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो चलिए काम की बात करते हैं। कुछ मेरे पास मैसेज आए थे और कमेंट भी आए थे कि क्वांट में जो है स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है सर, उसके लिए कुछ बताइए। बहुत सारा ट्रिक अपना रही है, बहुत सारे तरीके अपना रही है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ तरह की बातें होती हैं जो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई होगी इस चीज़ पर, बट जो मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में फील किया है कि स्पीड का क्वांट से क्या है कनेक्शन, तो मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने की, प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे जो लगता है कि क्वांट में जो स्पीड नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा कारण तो आपका ये है कि आपसे इसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जिनसे क्वेश्चन बनती है बट स्पीड नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा वो जिनसे क्वेश्चन भी नहीं बनती है और स्पीड भी नहीं रहता, ठीक है। तो जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं जिनसे क्वेश्चन भी नहीं बनती है और स्पीड भी नहीं है, उनका सबसे बड़ा ये है कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे पहले आपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार कोर्स को देख लेते हैं किसी टीचर से, उस टाइम में प्रैक्टिस करते रहे, फिर वो सोचते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मैं प्रैक्टिस करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपने जब कोर्स करना स्टार्ट किया, आपने मान लो स्पीड मैथ से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपने किए, फिर क्वाड्रेटिक के इक्वेशन किए, फिर आपने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन जो भी है आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया SI CA, फिर क्या कि आपने सारा क्लास पढ़ लिया, फिर आप उसको प्रैक्टिस के लिए उतरोगे फील्ड में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने तो पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आपने जब एक चैप्टर पढ़ रहे थे तो पिछले वाले चैप्टर को आप देखने रहे थे और आप उसको भूल रहे थे। ये आपको पता नहीं चलेगा, आप उस टाइम में लगेगा कि मैंने सब कुछ कंज्यूम कर लिया है, अब मैं एक बार में कर लूंगा, बट वो होता नहीं है। उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चले गए आप पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपका ये काम बनता है कि उसके 25-25 क्वेश्चन आपने कितने दिन तक, एक वीक तक प्रैक्टिस किए थे, उसके बाद 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, नहीं किए थे आपने। जिस कारण से क्या होगा, आपको एक टाइम के बाद जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं क्वांट में। इसी तरह से होता है हमारा अर्थमेटिक में, जैसे कि हमारा कुछ चैप्टर अर्थमेटिक का इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर ही क्वांट का, जैसे मान लो हमारा परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और हमारा मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये सब आपको DI वगैरह में भी बहुत यूज आने वाला ये सब चैप्टर है। आपने इसके बेसिक कितने अच्छे से पढ़े हैं वो डिपेंड करता है कि आप मेंस लेवल DI या प्रीलिम्स लेवल DI कितने अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, कम से कम रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सर एलिगेशन, इसको इतने अच्छे से पढ़ लो, इतना बेसिक इस पे बना लो कि आपको आगे किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरे वो मतलब टाइप के लोग होते हैं जिनका होता है कि उस टाइम में क्वेश्चन नहीं बन पाता, बट बाद में फिर मौक को लगाते हैं तो क्वेश्चन उनका बन जाता है। इसमें क्या पता है, आपका प्रैक्टिस की कमी है, आपने प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं किया है जितना करना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने देख लिया कि आपने जो सॉल्व करते हो, जो चीज़ आपको जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो आप समझो कि वो टॉपिक आपका क्वांट में स्ट्रांग है, वो चैप्टर आपका स्ट्रांग है। बाकी के लिए क्या करना है, जैसे कि मान लो आपके कुछ क्वेश्चन SI CA में फंस गए, फिर आपने बाद में सॉल्व किया वो बन गया। मिक्सर एलिगेशन के किसी के होते होंगे कि उस टाइम में फंस गए, बाद में सॉल्व किए बन गए। इसी तरह से परसेंटेज में होते होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में किसी के फंस जाते होंगे, लेकिन बाद में सॉल्व करने पर बन जाते होंगे। तो उसमें क्या पता है, आपने प्रैक्टिस की कमी की है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, जिस जिस चैप्टर में आपको टाइम लग रहा है बनने में मॉक में, उस चैप्टर को नोट कर लो एक नोटबुक पे, और उसके बाद उसको वीक में डेली कम से कम 5-5 क्वेश्चन उस चैप्टर के, 5 से 10 क्वेश्चन, 5 तो हम अमूमन हमको कर रही हैं, सभी चैप्टर के हमें 5-5 क्वेश्चन को, मैं आपको बता दूं क्वांट को आपको मिनिमम 3 to 3:30 आवर, 3 से 3.5 घंटा आपको देना पड़ेगा क्वांट को, इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस, क्वांट जो है ना, क्वांट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। DI में आपको प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। DI आप तभी फास्ट सॉल्व कर पाओगे जब आपके अर्थमेटिक और जो क्वांट के और सभी टॉपिक है वो स्ट्रांग होंगे, स्पीड मैथ आपका स्ट्रांग होगा। स्पीड मैथ स्ट्रांग होने से पता है आपका पूरा एक जो होता है ना, जो पहले बोलते हैं ना कि पहली सीढ़ी जो हम बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप, वो स्पीड मैथ ही होती है। तो स्पीड मैथ और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब के क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट दिखेगा बाद में क्वांट में। तो इसलिए बोला जाता है ना कि स्पीड मैथ के जो टॉपिक होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल होता है, स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर होता है, क्यूब्स होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सब हमारे यहाँ पर याद होना चाहिए। वो कैसे याद होगा, कि जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पर स्टडी टेबल के सामने मतलब वॉल जो होता है वहाँ पर हम उसको चिपका दें, या वहाँ पर वैसे ही रख दें लिख लिख के कार्डबोर्ड में। मैं तो कार्डबोर्ड में लिख के और उसको चिपका दिया हुआ था, एक बार जब पढ़ने बैठता था तो उसको एक बार देख लेता था कि यहाँ से वहाँ, हाँ ठीक है। और उसमें 2 to 20 तक का टेबल भी मैंने चिपका रखा था, क्योंकि मुझे टेबल भी मैं बचपन में याद किया था, फिर मैं ग्रेजुएशन करते करते टेबल तक भूल गया था। मुझे 19 और 18 का और 17 का टेबल में मैं बहुत फंसता था, तो उसके बाद मैंने वो सब लिख के रख लिया था, डेली देता था, उसके बाद तो मैंने धड़ल्ले से याद कर लिया था सबको, ठीक है।
तो आपने ये करना है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आप करो और ये प्रोसेस आप देखो 4 to 5 month करके देखो, sixth month में, छठे महीने में आके आपका स्पीड इतना आ जाएगा ना कि आप 35 to 35 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अटेम्प्ट कर लोगे और मेंस के भी अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। मेंस मैं अभी बता देता हूँ आप सब लोगों को कि मेंस के क्वेश्चन आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप प्रीलिम्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, क्योंकि अर्थमेटिक के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप मेंस लेवल DI की क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर पाओगे उसका आपका जो होता है पहली सीरीज आपका प्रीलिम्स ही है। तो यहाँ पे आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लो एक बार में, आपका प्रीलिम्स में सारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, उसके बाद आपके प्रीलिम्स में मार्क्स अच्छे आने लगेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आप जो मेंस लेवल के जो वीडियोस देखोगे या किसी भी एजुकेटर के या टीचर के आप कोर्सेज देखोगे मेंस के, तो आपको समझ में आएगा। और आपका मेंस प्रीलिम्स का बेसिक क्लियर नहीं है और आप मेंस का वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं देख तो रहा हूँ वीडियो, वहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ हाँ ये ऐसे सर ने किया, बट आप खुद से जब बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं सॉल्व करवाओ। ठीक है, एक और बात मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूँ कि क्लास में टीचर जो होते हैं हमारे, कोई भी सर हैं जिनसे भी जिनको भी आप पॉइंट के लिए फॉलो करते हो, ठीक है, वो बताते रहते हैं और आपको लगता है कि समझ गए, ठीक है, तो उस पर आप कभी ट्रस्ट मत करो। हाँ वो बता रहे हैं अपने तरीके से बता रहे हैं, बट आप खुद से भी वो सेम क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करोगे जो सर ने बताया वहाँ पे क्लास में, मैं खुद से कर पा रहा हूँ या नहीं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मैंने वो कॉन्सेप्ट सीखा है जो सर ने लगाया था? नहीं सीखा तो वो वीडियो को फिर से 1.25 या 1.5 की स्पीड में फिर से देखो आप, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस दिन नहीं करोगे ना, अगला दिन आपके सामने एक और क्लास आके खड़ा हो जाएगा, एक और चैप्टर खड़ा हो जाएगा, एक और नया कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं समझ पाओ, आप इसको समझ ही नहीं पाए हो उसको कहाँ से आप समझ लोगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको जैसे मान लो क्लास में सर ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया, उसका रेशियो का 2 क्लास है और प्रोपोर्शन का 2 क्लास है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्लास में रेशियो का सर बेसिक पढ़ाएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सर ने रेशियो का बेसिक पढ़ाया और आपने रेशियो का बेसिक पढ़ लिया, सर ने वहाँ क्वेश्चन भी सॉल्व किया, आपको लगा कि मुझे सब कुछ आ गया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको आ भी गया हो। उसके बाद क्लास खत्म होता है, थोड़ा देर रेस्ट लो, कुछ मिनट का गैप लो, चाहे कुछ और पढ़ना है, इंग्लिश वगैरह जो भी पढ़ना है, कुछ कुछ देना है, GA का जो भी देना है वो आप कर लो। उसके बाद आप क्या करो, उसकी PDF डाउनलोड करो उस क्लास की, ठीक है, और जो बिना सॉल्व किया हुआ हो उसको फिर से उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एक एक करके फिर से खुद से सॉल्व करो। देखो कि जो सर ने सॉल्व किया था क्या वो सही में मुझसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्लास के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो आप देखो कि वो क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किया है या खुद से सॉल्व हो गया, मतलब समझो आपकी समझ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है उस लेवल के क्वेश्चन को, जो भी लेवल का वो क्वेश्चन होगा उस लेवल क्वेश्चन को बुक से या आपका हो गया किसी मॉक टेस्ट से या किसी PDF से, जहाँ से भी आपको सॉल्व करना है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि फिर सेकेंड डे सर आए, हो सकता है कि फर्स्ट डे का लेवल थोड़ा ईजी रहा होगा, आपको समझ में आ गया, सेकेंड डे चैप्टर का आपका रेशियो का सेकेंड डे का चैप्टर स्टार्ट हुआ आपका। ठीक है, आपने उसको भी देखा, फिर आपको वहाँ भी लगा कि सर ने जो समझा दिया, आप ध्यान से क्लास, मेन है कि आपको ध्यान से क्लास भी देखना है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा पता है बेनिफिट ये है कि आप घर में बैठ के पढ़ सकते हो, और सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है कि लोग ना क्लास ध्यान से नहीं देखते हैं, जो मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ भी होता था कि मैं क्लास ध्यान से नहीं देख पाता था। उसके बाद आप मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे पास ध्यान से क्लास देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट आपको खुद से बनाना पड़ेगा। कोचिंग में क्या होता है, इन्वायरमेंट आपको बना के वहाँ मिलता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे क्या है ना ऑनलाइन में अपने मालिक आप खुद हो, आपको क्लास देखना है देखो, नहीं देखना है तो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी करते हैं कि मोबाइल ऑन करके फिर गैप रहते हैं। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा और आपको क्लासेस ध्यान से देखनी होगी, और वहाँ पर आप ध्यान से देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी PDF को डाउनलोड करो और फिर से उस दिन के जो थोड़ा हाई लेवल के रेशियो के क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करिए। मैं रेशियो एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई और भी चैप्टर में आप कर सकते हैं, सेम करना है तो आप देखो कि तब आपको उसमें कुछ क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो आप फिर से उसी क्लास की वीडियो 1.25 या 1.5 जितने भी आपको समझ में आ जाए उतना स्पीड करके फिर से एक बार देखो और वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझो जो आपसे दोबारा में नहीं बना था। यदि आप ऐसे करते हो तो मैंने बताया ना 4 to 5 month आप ऐसा करो, 6 month में आप इसी कमेंट के नीचे थैंक यू लिख के जाओगे कि मेरे क्वांट में स्पीड बढ़ गए। ये मेरा तरीका था जिससे मैंने अपनी स्पीड इम्प्रूव की थी, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत सारा मैसेज आ रहा था हमें, तो मैंने बोला कि चलो क्वांट के स्पीड की ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई होगी, बट मैं ये बता रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना आपको फ़ायदा दिखेगा एग्ज़ाम में और मॉक में।
मॉक में आप स्पीड कर पाओगे तभी एग्जाम में स्पीड आएगा, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है क्वांट के लिए। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे और क्वांट को आप 3 से 3.5 घंटा डेली दो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और एक और अपडेट, गाइडली का एक ऑफर चल रहा है, उनके सभी प्रोडक्ट में आपको 80% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा है, जिसमें PDF कोर्स, ग्रैंड बंडल PDF कोर्स, इंग्लिश बंडल PDF कोर्स और प्लेटिनम मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। और उसमें आप सोनल 12 कोड यूज़ करते हो प्रोमो कोड में, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का, यानी 80% और 12%, 92% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जाके ले सकते हो, क्योंकि वो चारों पैकेज बहुत अच्छे, वो प्रैक्टिस के लिए, बैंक एग्जाम के लिए बहुत सफिशियंट है वो मटेरियल आपके लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो, जो लोग लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सोनल 12 कोड यूज करके उसको ले सकते हो, ठीक है। एक और अपडेट, टेलीग्राम चैनल पर जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं डेली क्विज करता रहता हूँ, और उसमें आप अपनी, और वो क्विज एकदम जो इंडिया के जो सबसे बेस्ट लेवल है GA के, उनके PDF से होता है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, और देखिए कि आपके GA की प्रिपरेशन कहाँ चल रही है। वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन कवर करता हूँ डेली के, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके क्विज लगाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आप सभी को पढ़ाई करते रहिए डेली आप, बाय।